अगर कोई मजिस्ट्रेट बिना पावर कोई कार्रवाई कर दे तो क्या उस कार्रवाई को माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। तो यही सारी चीज बता रखी है आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 35 के अंदर। तो सीख लेते हैं भैया सीआरपीसी सेक्शन 461 देखिए क्या कहता है। इररेगुलरिटीज व्हिच विशेड प्रोसीडिंग, भैया अगर कोई मजिस्ट्रेट जिसके पास में पावर नहीं है और अगर वो ये वाली कार्रवाई कर देता जो सेक्शन के अंदर बताई गई है तब उस कार्रवाई को कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन पिछले सेक्शन के अंदर हमने क्या सीखा था कि अगर कोई मजिस्ट्रेट गलती से वो वाली कार्रवाइयां कर देता है जो करने के लिए उसके पास में पावर नहीं है, अगर गलती से कर देता है जो वहां पे बताई गई थी, तब भी उनको ऐसे ही मान लिया जाता था, उनको कैंसिल नहीं किया जाता था। लेकिन अगर यहाँ पे जो वाली कार्रवाइयां बताई, अगर ये वाली कार्रवाइयां कर देता है पावर ना होते हुए, तब उनको रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। देखिए भाई कौन कौन सी वो कार्रवाइयां होती है। पहले बता रखी है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट जिसके पास में पावर नहीं है और 83 के तहत में सीआरपीसी के तहत में क्या कर देता है, कोई ऐसे संपत्ति को जब्त करने का ऑर्डर कर देता है, तब उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाएगा, उस कार्रवाई को नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज, अगर वहीं पे कोई पोस्ट है, कोई तार है, कोई डाक है, ठीक है, कोई इंग्लिश में नहीं, कोई डाक है, ठीक है, या फिर उसका प्राधिकार ऐसे उसकी जिसके पास में उसकी अथॉरिटी है, अगर उसकी होता है उसके लिए तलाशी वारंट जारी करता है, तब उस तलाशी वारंट को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, अगर उसके पास में पावर नहीं थी वो तलाशी वारंट देने की। इसी तरीके से अगर किसी से गारंटर की मांग की जाती है ऐसे परेशानी बनाए रखने के लिए, किससे, जो हमने सीआरपी सेक्शन 106 107 के अंदर सीखा था ना, गारंटर की मांग करता है कोई ऐसा मजिस्ट्रेट करता है जिसके पास में पावर है ही नहीं, तब ऐसे में तब उस आदेश को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर कोई सदाचार बनाए रखने के लिए ऐसे मांगता है, ऐसे जमानत मांगता है, कोई मजिस्ट्रेट सीखा था ना 108 के अंदर, 108, 109, 110 सीआरपीसी के अंदर, अगर कोई सदाचार यानी कि उसका अच्छे व्यवहार के लिए अगर उससे ऐसे जमानत की मांग करता है और उसके पास ऐसी मांग करने के लिए कोई ऐसा वो सशक्त नहीं है, पावर नहीं है, तब ऐसे में उस ऑर्डर को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। या फिर अगर किसी व्यक्ति को ऐसे डिस्चार्ज कर देता है, उन्मोचित कर देता है किस चीज से कि जा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, जा मैंने कह दिया ना कि जा तू डिस्चार्ज है, ऐसे उसको सदाचार बनाए रखने के लिए उसके जमानत के लिए उसको ऐसे डिस्चार्ज कर देता है, जो आबद है लेकिन उसको डिस्चार्ज कर देता, तब ऐसे में फिर भी उस कार्रवाई को रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि उसके पास में उसको डिस्चार्ज करने की पावर थी ही नहीं। उसी तरीके से अगर कोई बॉन्ड कैंसिल कर देता, भैया किसी से कोई बॉन्ड लिया और उस बॉन्ड को कैंसिल कर दिया, अरे रहने दो बॉन्ड अपनी तो रिश्तेदारी की बात है, उस बॉन्ड को ही कैंसिल कर देता बीच में, तब ऐसे अगर उसके पास में पावर नहीं है तब वो क्या, तब वो आदेश ही कैंसिल हो जाएगा उसके, कैंसिल वाला वो बॉन्ड कैंसिल नहीं होगा, बॉन्ड के लिए जो ऐसा ऑर्डर उसने किया वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसके पास में ऐसी पावर है ही नहीं। इससे अगली बात बता दी आपकी कि अगर कोई मजिस्ट्रेट जिसके पास में पावर नहीं है और 125 के तहत में अगर कोई मेंटेनेंस का आदेश कर देता है कि आप अपनी पत्नी को 20,000 रुपये महीना का दोगे, अब वो है कोई सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, भैया उसके पास में पावर है ही नहीं, कम से कम 125 के लिए तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होना चाहिए, अब कोई सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ऐसे कर देगा या फिर कोई ऐसा ये कोई एचडीएम वगैरह कर देगा कि मैं मेंटेनेंस लगाता हूँ आपको अपनी पत्नी को ना हर महीने 20,000, अपने बच्चों को 30,000 रुपये महीना दो, भैया उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाएगा अगर वो मजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर देने में सशक्त नहीं है, उसके पास में ऐसी पावर नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई 133 के ऑर्डर कर देता है कोई मजिस्ट्रेट, ऑर्डर तो कर दिया लेकिन वो ऑर्डर करने के लिए उसका शक्ति नहीं, उसके पास में पावर नहीं है, 133 बताता आपको न्यूसेंस के लिए, ठीक है, न्यूसेंस अगर कोई किसी भी तरीके का फैलाता है जैसे जो आईपीसी के अंदर न्यूसेंस बताया गया है, फिर किसी और एक्ट के अंदर जो न्यूसेंस बताया गया है उसके अकॉर्डिंग भी अगर वो न्यूसेंस फैलाता है, तब ऐसे में क्या करते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट 133 के तहत में ऑर्डर जारी कर देते हैं कि ऐसा न्यूसेंस बंद कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर 143 के ऑर्डर कर देते हैं, 143 में क्या होता है कि ऐसा न्यूसेंस ना तो आप दोबारा करोगे ना आगे भी कभी करोगे, और उसके लिए जो ऑर्डर जो करने वाला मजिस्ट्रेट है जिसके पास में पावर है उससे अलग, यानी कि जिसके पास में पावर नहीं है वो मजिस्ट्रेट अगर 143 के ऑर्डर कर देता तो उस ऑर्डर को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। देखिए सीधी सिंपल सी बात ये बता रखी, मैं दोबारा बताता हूँ, 460 भी यही कहता है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट जिसके पास में पावर नहीं है और वो कोई कार्रवाई का ऑर्डर कर देता है लेकिन गलती से कर देता है, कौन सी कार्रवाइयां जो उसके अंदर हमको देखने को सीखने को मिली थी, तब उन कार्रवाइयों को वैसे ही मान लिया जाएगा जैसे किसी मजिस्ट्रेट ने जिसके पास में पावर थी उन्होंने ऐसे लागू किया, अगर उसने गलती से किया है तो। लेकिन यहां पे बता दिया कि अगर कोई मजिस्ट्रेट जिसके पास में पावर नहीं और ये वाली कार्रवाइयों के लिए ऑर्डर जारी कर देता है तब उसको हर हाल में कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको ऐसे नहीं माना जाएगा। 143 के बाद देखिए क्या कहते हैं, 143 के बाद बताता अगर कोई मजिस्ट्रेट वहीं पे चैप्टर 10 के तहत, चैप्टर 10 का सी और डी के तहत, यानी कि 144 धारा 144 का ऑर्डर कर देता है, ये चार या चार से ज्यादा लोग वाला,
और या फिर 145 से आपका 148 तक सीआरपीसी के लिए ऑर्डर जारी कर देता है और ऐसा करने के लिए उसके पास में पावर नहीं है। अब किसी कोई था कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोई एसडीएम वगैरह जिसके पास में ऐसी पावर नहीं थी, तो ऐसे में कई बार होती भी नहीं हुई या एसडीएम के पास में ऐसे पावर आ भी जाती है लेकिन कई बार ऊपर से पावर नहीं मिलती, उस चीज़ के लिए मना कर दिया जाता है। तब ऐसे में अगर वो धारा 144 लगा दे अपने एरिया में कि मैं धारा 144 लगाता हूँ, ऑर्डर देता हूँ, उसके पास में ऑर्डर देने की पावर है ही नहीं, तब ऐसे में वो धारा 144 का ऑर्डर नहीं माना जाता है। इसी तरीके से अगर 190 के पहले के सी के तहत, सी मतलब हाँ सी के तहत क्या होता है, अगर कोई मजिस्ट्रेट सी ये कहता है कि अगर पुलिस के अलावा कोई और व्यक्ति आके मजिस्ट्रेट साहब को किसी अपराध की जानकारी देता है तो उसमें अगर कोई सशक्त है तो उसका संज्ञान ले सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन जो सशक्त ही नहीं है क्या उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर नहीं कर सकता तो क्या कर दिया जाएगा, उस चीज को कैंसिल कर दिया जाएगा। इससे अगली बात बता दी ट्रायल के लिए कि अगर कोई मजिस्ट्रेट अगर किसी अपराधी का ट्रायल चला रहा है, ठीक है, और उसके ट्रायल चलाने के लिए उसके पास में पावर नहीं है, तब उस चीज को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। या फिर इसी तरह से अगर किसी मामले में संक्षेप विचारण कर रहा है, ब्रीफली ट्रायल चला रहा है, 260 वाली बातें आ गई आपकी इसके अंदर, 260 सीआरपीसी, तब उस चीज को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई मजिस्ट्रेट किसी मजिस्ट्रेट ने किसी कार्यवाही के ऐसे कोई कार्रवाई की 325 के तहत अगर ऑर्डर उसके जारी कर देता है, यानी 325 के तहत किसी और मजिस्ट्रेट ने तो कार्रवाई की और 325 के तहत सजा ये देने वाला है, ये दे रहा है जिसके पास में पावर है ही नहीं, तब ऐसे में उस सजा को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी तरीके से आपका अगला हो गया, कोई मजिस्ट्रेट अगर ये वाला ये मंगवा लेता है, क्या बोलते हैं इसको, अपील, अपील विनिश्चित कर देता है भैया कि इस मामले की अपील वहां होगी, ये होगी, ये होगी, और उसके पास में पावर है ही नहीं, तब उस चीज को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर क्या था 16 नंबर, हाँ इसी तरीके से अगर 397 के तहत में रिवीजन के लिए रिकॉर्ड मंगवा लेता है कि मैं इसका रिवीजन करूंगा, इस मामले का मेरे पास रिकॉर्ड लेके आया जाए, और उसके पास में पावर है ही नहीं रिवीजन करने की, रिवीजन की पावर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में होती है, कोई और मजिस्ट्रेट अगर रिवीजन के लिए मंगवा लेता तब क्या होगा, तब उस चीज को फिर कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि उस कार्रवाई को कैंसिल कर दिया जाएगा। इससे अगली बात, अगर वहीं पे 446 के तहत, 446 के तहत अगर ऑर्डर का क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, और रिवीजन खुद करने लग जाए जिसके पास में पावर है ही नहीं, तब उस चीज को फिर क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये कहता है आपका सीआरपी सेक्शन 461 कि अगर किसी मजिस्ट्रेट के पास में पावर नहीं है और वो पावर ना होते हुए, यानी वो सशक्त नहीं है, सशक्त ना होते हुए अगर ये वाली कार्रवाइयां कर देता है, यानी कि इनके तहत अगर ऑर्डर जारी कर देता है, तब उस ऑर्डर को नहीं माना जाएगा, उस कार्रवाई को रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये थे जी आपके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो भेजिए, कमेंट कर दें। थैंक यू भैया।